दोस्तों, अगर आप अपने डेस्कटॉप में SSD लगाना चाह रहे हैं तो आप उसको कैसे लगाओगे? या तो SSD का रेट क्या पड़ेगा, या तो फिर SSD लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब के बारे में बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है चैनल टिप्स एंड सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप SSD खरीदना चाहते हैं तो कितने में आएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, SSD आ जाएगा आपका 128 GB का 750-800 के बीच में। अगर आप इसको मार्केट में कहीं लगवाने जाते हैं तो उस कंडीशन में ये आपको पड़ेगा 1500 के आसपास में। भैया, जहां आप जाएंगे वो तो सर्विस का तो पैसा लेंगे ही लेंगे, है ना। उससे अच्छा आप एक काम करना, SSD मार्केट से खरीद के ले आना, और उसको कैसे लगाएंगे ये पूरे डिटेल प्रैक्टिकली मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहना। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को और देख लेते हैं प्रैक्टिकली रूप से कि हम अपने डेस्कटॉप में SSD कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक CPU आया है और इसमें लगाना है SSD। तो जैसे आप देखेंगे यह SSD, तो इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे या इंस्टॉल करने का सही तरीका क्या है, ये सब के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, CPU को ओपन कर लेना है, इस टाइप से कैबिनेट ओपन कर लेना है। अब SSD को क्या करना है, हमें लगाना है। तो ये लगेगा कैसे, अब देखिए, अगर आप चाहें तो इसको कनेक्ट करके सिंपल यहीं पर रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहीं पर लॉक कर दूंगा। जैसे आप गौर से देखेंगे तो ये देखिए, ये स्क्रू लगाने के लिए जगह दिया हुआ है, इसमें स्क्रू लग जाएगा। तो चलिए मैं पहले लगा लेता हूँ। जैसे आप देखेंगे ना, SSD लग गया है। अब इसको आप फॉर्मेट कैसे करोगे या तो इसमें विंडो कैसे डालोगे? तो दोस्तों, उसके लिए आप लोग बता दूं, अगर ये हार्ड डिस्क कनेक्ट है तो उसको आप डिसकनेक्ट कर देना इस तरह से, और इसको जो है ना आप इसमें लगा देना SSD में, ठीक है। हार्ड डिस्क का जो केबल है उसको आपको SSD में लगा देना है। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ, और उसके बाद ही आपको विंडो इंस्टॉल करना है। तो इसमें SSD में जब विंडो इंस्टॉल हो जाएगा ना, उसके बाद आपको फिर से अपने हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो एक्स्ट्रा जो केबल्स वगैरह है ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आप हार्ड डिस्क को निकाल के अगर विंडो 10 या जो भी विंडोज है आप SSD में इंस्टॉल करेंगे तो उस कंडीशन में इसमें का जो डाटा है वो डिलीट होने का डर नहीं रहेगा। मतलब जो भी विंडो है इसी में डलेगा, और उसके बाद जो है आपका विंडो एकदम फ्रेश इंस्टॉल हो जाएगा। कभी कभी कंफ्यूज ये हो जाते हैं दोस्तों कि फॉर्मेट जब करते हैं या तो विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका जो SSD का पार्टीशन है वो कौन सा है। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद आप पेन ड्राइव से बूट कराना चाहें तो पेन ड्राइव से कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो CD वगैरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब विंडो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको जो दूसरा केबल है ये देखिए, ये साटा केबल जिसको बोलते हैं, उसको आपको लगा देना है। तो पहले हम इसमें विंडो इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद फिर हम हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए पहले विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पहले पेन ड्राइव लगा देंगे हम इसमें, पेन ड्राइव लग गया। अब चलिए चालू करते हैं। अब BIOS में जाना है आपको, उसके बाद यहाँ पर बूट हार्ड डिस्क तो वही रहेगा और यहाँ पर सेंड डिस्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा हार्ड डिस्क मतलब SSD शो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है। तो हम F10 से ओके कर देंगे। अगर आप विंडो इंस्टॉल करना नहीं जानते हैं तो दोस्तों, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी से देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ना तो इसमें कंप्लीट हो चुका है विंडो इंस्टॉलेशन। अब आपको क्या करना है, इसमें हार्ड डिस्क को अटैच करना है। तो चलिए हम हार्ड डिस्क को अटैच कर लेते हैं, और सबसे पहले हम जो है अपने कंप्यूटर को बंद कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि विंडो 10 ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बंद होने के बाद भी ना इसमें लाइट जलते रहता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान ये देना है। उसके बाद SMPS जब बंद हो जाए तो आपको ये सब केबल वगैरह ये सब बंद करना है। तो चलिए मैं सबको निकाल लेता हूँ, केबल को बस, और उसके बाद जो है ना इसको इस तरह से रखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर जैसे आप साटा केबल देखेंगे, थोड़ा जूम दूर से दिखा दूँ,
लाइट भी चालू कर लेते हैं। तो देखिए ये जो केबल्स दिख रहे हैं ना, ये वाली, ये साटा केबल होता है, इसको आपको लगा देना इसमें, तभी आपका जो हार्ड डिस्क का पार्टीशन है वो शो होगा, नहीं तो फिर ऐसे में शो नहीं हो पाएगा। ये हो गया, इतना करना है आपको। उसके बाद अपने कंप्यूटर को फिर चालू करके देखो, उसके बाद देखते हैं कि इसका जो हार्ड डिस्क का पार्टीशन है वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मैंने फिलहाल चालू कर दिया कंप्यूटर को। तो ये पूरा चालू हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं कि इसका जो पार्टीशन है हार्ड डिस्क का वो आया कि नहीं आया। तो उसके लिए मैं कंप्यूटर को तो ले आया हूँ यहाँ पर, और उसको ओपन करके देख लेते हैं। तो देखिए जितने पार्टीशन थे ना, ये यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह दोस्तों आप अपने हार्ड ड्राइव और SSD को कनेक्ट कर सकते हैं, और हार्ड और SSD को भी इंस्टॉल आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि SSD को कनेक्ट करना है और हार्ड डिस्क को निकाल के ही विंडो इंस्टॉलेशन करना है, नहीं तो कभी कभी ना कई प्रकार की जो दिक्कत है आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो ऐसे कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए जानकारी के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।